अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए मैं इंग्लिश फास्ट 01 की पहली जी डी बी लेकर आया हूँ। ये 25 मई से स्टार्ट होगी और 26 मई को एंड हो जाएगी, ठीक है? तब तक आप सबमिट करवा देंगे। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों को शेयर भी किया करें। तो हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। जी डी बी टॉपिक आगे गिव योर रिव्यू ऑन द गिवन टॉपिक। इस टॉपिक अपना रिव्यू देने सर। द फॉलोइंग वर्ड गे ट्विटर ए फुल एंड वायरस बाय कंडक्टिंग ए डायक्रोनिक एनालिसिस ऑफ द लेक्सिकल चेंज ऑफ दिस वर्ड। आपने एक डायक्रोन एनालिसिस करना है, यानी मुकम्मल एनालिसिस करना है लेक्सिकल चेंज ऑफ दिस वर्ड के, इन अल्फाज की जो होती है लुगत में तब्दीली होती है लेक्सिकल चेंज। यूजिंग हिस्टोरिकल डिक्शनरीज और एनी ऑनलाइन सोर्स डिफरेंस बिटवीन दिस वर्ड यूज इन दी वर्ड मिडल वर्सेज मॉडर्न लैंग्वेज। आपने कोई हिस्टोरिकल डिक्शनरी यूज करनी है या कोई ऑनलाइन सोर्स यूज़ करना है और डिफ्रेंशिएट करना है कि ये ओल्ड या मिडल इंग्लिश में कैसे की जाती है, फिर मॉडर्न इंग्लिश में इनका यूज इस्तेमाल कैसे किया जाता है। राइट रिव्यू अबाउट द टॉपिक एंड आंसर शुड बी बिटवीन 200 से 250 वर्ड। और इस टॉपिक पर रिव्यू देना है और आपका आंसर 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए, ठीक है? आंसर की तरफ चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड मिडल लैंग्वेज जब कंडक्टिंग एंड लेक्सिकल चेंज दी वर्ड्स गे ट्विटर ए फुल एंड वायरस आर फॉलोज। गे द वर्ड गे वाज चेंज साइंटिफिकली इन मीनिंग ओवर टाइम। इसके टाइम के साथ काफ़ी मीनिंग चेंज हुए हैं। इन इंग्लिश इट मीन हैप्पी और जयफुल। ओल्ड इंग्लिश में इसका मतलब हैप्पी और जयफुल था। इन मिडल इंग्लिश इट बिगेन टू टेक मीनिंग ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल। मिडिल इंग्लिश इसका मतलब ब्राइट कलरफुल हो गया। इट इज वाजंट अंटिल द 19th सेंचुरी दैट वर्ड बिगेन टू यूज टू पीपल दे आर अटैच टू मेंबर ऑफ द सेम सेक्स। और इससे पहले ये नहीं था, लेकिन 19th सेंचुरी में ये वर्ड जो है वो उन लोगों की तरफ रेफर होना शुरू हो रहा है जो कि सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। दिस यूजेज ऑफ द वर्ड वर ओरिजिनली कंसीडर्ड टैगोर। पहले ये इस अल्फाज का इस्तेमाल एक तोहीन में समझा जाता था, बट इट हैज सिंस बीन डिक्लेम्ड बाय LGBTQ+ कम्युनिटी। लेकिन जो LGBTQ+ कम्युनिटी है उस वो अपने आप को अभी भी ये गे क्लेम करती है, ठीक है? तो दूसरा वर्ड है ट्विटर। द वर्ड ट्विटर कम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड ट्विटरान। तो ओल्ड इंग्लिश की वर्ड ट्विटरान से ये आया है, विच मीन्स टू चैटर और म्यूटर और टू चिपर, जिसका मतलब चिड़ियों का चहचहाना या उनकी ये जो आवाज़ है उसे कहते हैं। द मिडिल इंग्लिश वर्ड यूज टू रेफर टू द चिपिंग ऑफ वर्ड्स। मिडिल इंग्लिश में इसको चिपिंग ऑफ वर्ड से तशबीह दी गई, रेफर किया गया। द मॉडर्न मिंगले द मॉडर्न मीनिंग ऑफ द वर्ड एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाज कॉइंड इन 2006। मॉडर्न मीनिंग में इसका वर्ड एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि 2006 में मौजूद है। किसने किया? बाय जैक डॉर्से, नोवा ग्लास, पीट स्टोन एंड एवन विलियम्स, इन्होंने ये ट्विटर बनाया था, ठीक। अब दूसरे लफ्ज ए फुल की तरफ जाते हैं। द वर्ड ए फुल कम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड ईग फुल। ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड ईग फुल से निकला, विच मीन्स फुल ऑफ ईग, जिसका मतलब खौफ से भरा हुआ। इन मिडल इंग्लिश द वर्ड यूज टू रेफर द समथिंग दैट वॉज इंस्पायरिंग फेयर और रिस्पेक्ट। मिडल इंग्लिश में ये अल्फाज इस बात की तरफ रेफर करता था कि कोई चीज़ जो कि डर या रिस्पेक्ट की तरफ इंस्पायर करे। मॉडर्न मीनिंग द वर्ड समथिंग दैट इज वेरी बैड अनप्लीजेंट। और 17 सेंचुरी के बाद इन मॉडर्न मॉडर्न वर्ड में इसका मतलब बहुत बुरा या अनप्लीजेंट जो है होता है, ठीक है? आगे वर्ड्स है वायरस। द वर्ड वायरस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वायरस विच मीन्स पॉइजन। लफ्ज वायरस एक लतीनी लफ्ज वायरस से निकला, जिसका मतलब जहर है, पॉइजन। द मॉडर्न मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एज स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट दैट कॉज डिजीजेज वाज फर्स्ट यूज इन 19th सेंचुरी। और मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब एक स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट है, ऐसी चीज़ जो कि इन्फेक्शन फैलाता है और बीमारी फैलाता है, और 19th सेंचुरी में इसे इस्तेमाल किया।
दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हाउ वर्ड चेंज ओवर टाइम। ये उसकी एग्जाम्पल है कि जो अल्फाज हैं किस तरह टाइम के साथ चेंज हुई। मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सेंटेंस कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग, अल्फाज की मीनिंग हमेशा कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहते हैं। एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैरायटी और वैरायटी फैक्टर, और इन पर असर जो होता है बहुत से किस्म के फैक्टर्स को, जैसा जैसे कल्चरल चेंजेस, जैसे कि समाज में कल्चर में तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रही है यानी उसकी बढ़ोतरी, एंड द वे द पीपल यूज लैंग्वेज और वो तरीका जिसे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हेयर आर दी सम एडिशनल थाट ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पर एडिशनल थाट ये है कि चेंज ऑफ वर्ड फ्रॉम दिस कैन बी सी रिफ्लेक्शन ऑफ द चेंजिंग वैल्यूज एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। अल्फाज की तब्दीली का मतलब आप यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं तो आपका आंसर सही होगा, वायरस यहाँ 19th सेंचुरी तक, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स टू 200 से 250 कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ तक लिखे हैं तो ठीक है, आगे भी लिख दें फिर भी ठीक है। अलविंग अल्फाज का मतलब क्या है कि लोगों के वैल्यूज़ और एटीट्यूड में तब्दील। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन द मीनिंग अबाउट गे हैप्पी होमोसेक्सुअल रिफ्लेक्ट द इंक्रीज एक्सेप्टेंस एलजीबीटी प्लस कम्युनिटी इन सोसाइटी। मिसाल के तौर पर वर्ड्स गे हैप्पी टू होमोसेक्सुअल, जो वर्ड्स गे का मीनिंग था हैप्पी टू होमोसेक्सुअल, वो ये जाहिर करता है कि माशरा एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये कल्चर वैल्यूज़ का फ़र्क होता है, ये वेस्ट में है ये हमारे पास नहीं, ठीक। द चेंज इन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कैन ऑल्सो बी सीन ए रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन वे पीपल यूज लैंग्वेज। इन अल्फाज के मीनिंग में तब्दील का मतलब ये भी हो सकता है कि जिस तरह से लोग मुख्तलिफ तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल वर्ड ट्विटर वाज ओरिजिनली रेफर टू पिंग वर्ड, जैसे कि ट्विटर का पहले मतलब जो बंदू का चाचा आना था, बट नाउ इट रेफर टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जाहिर करता है। दिस चेंज इन मीनिंग रिफ्लेक्ट द वे द टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट, ये जाहिर करता है कि लोग जैसे एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं और टेक्नोलॉजी ने वो जो वे है वो तब्दील कर दी है। दी चेंजेस इन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कैन बी सीन एज अ चैलेंज फॉर द लैंग्वेज लर्नर। लैंग्वेज लर्नर के लिए एक चैलेंज है। इट इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ डिफरेंट वे दैट वर्ड कैन बी यूज, ये हमें आगाह होना चाहिए कि वर्ड्स डिफरेंट वेट के जरिए कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। टू बी एबल टू अडेप्ट स्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स टू द कंटेक्स्ट विच दे आर यूज, इससे हम उस कंटेक्स्ट को पता चल सकते हैं कि इसके जिसमें ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाए, ठीक है। आपने मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आप नीचे कमेंट्स में बताने क्या है कि आप किस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू।